वारण ग्यारह की है पुकार, धर्म पर डीपी अब की बार, सारे भाई गल मिल के न वोट पावांगे, इस डीपी न दो वारण ग्यारह से पावांगे। रामनगर से पंचायत उम्मीदवार धर्मपाल चौधरी जीपी को जिताना है, वार्ड नंबर 11 से पार्षद बनाना है, हमें अपने वार्ड का विकास करवाना है, तो डीपी को जिताना है। आपसे ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं डेली न्यूज़ हरियाणा पर, जहां पर महिलाएं डीपी चौधरी का देखिए किस प्रकार से माताओं का आशीर्वाद लेकर डीपी चौधरी डीपी चौधरी के सीधा महिलाएं माताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये देखिए माताएं बहनें सबका यहाँ पर आशीर्वाद यहाँ पर लेते हुए। देखिए आप किस प्रकार से माताएं बहनें उनको दुलार रही हैं, सीधा देखिए आप लाइव तस्वीर। देखिए करिएगा तो सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मंदिर में आपको सीधी तस्वीरें, गांव जो है यहाँ पर समर्थन आप देख सकते हैं किस तरह से आगे आगे यहाँ पर चलते हुए समर्थन आप देख सकते हैं, तो सीधी तस्वीरें यहाँ पर किस तरह से भरपूर यहाँ पर समर्थन यहाँ पर डीपी चौधरी जी खेड़े में माथा टेक रहे हैं। आप सभी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं डीपी चौधरी यहाँ पर मंदिर में यहाँ पर माथा टेकते हुए आशीर्वाद देते हुए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद यहाँ से लेते हुए। गौ के गौ जो अभियान है यहाँ पर चलाया जाएगा, पाल चौधरी के इलाके से हम आपको दिखा रहे हैं गाँव डेरा डेरा दिखा रहे हैं किस प्रकार से देखिए ये जिला परिषद वार्ड नंबर 11 से भावी उम्मीदवार डीपी चौधरी भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से डीपी चौधरी नतमस्तक हो रहे हैं भगवान के आगे। और वहीं डीपी चौधरी को देखिए किस प्रकार से जल समर्थन मिल रहा है, बच्चे बुजुर्ग युवा साथी और माताएं बहनें किस प्रकार से डीपी चौधरी के समर्थन में आए हुए हैं, आप सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर। वार्ड नंबर 11 से अपना पार्षद बनाएंगे, धर्मपाल चौधरी डीपी
याद रखना है डीपी आपके स्वागत यहाँ पर ये देखिए आप सीधी लाइव तस्वीरें डेली हरियाणा पर, जहाँ पर डीपी चौधरी के समर्थन में बुजुर्ग, युवा, बच्चे और महिलाएं सभी एक साथ हैं। बुजुर्ग महिलाएं, जो बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से उत्साहित यहाँ पर हो रहे हैं, और धर्मपाल चौधरी के समर्थन में यहाँ पर, जो धर्मपाल चौधरी के समर्थन में यहाँ पर वोट की अपील करते हुए दिल्ली डेरा, जैसे कि पूरा का पूरा दिल्ली डेरा यहाँ पर इकट्ठा होकर आ चुका है धर्मपाल चौधरी के समर्थन में। हमारे तमाम लोग जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को आपके साथ शेयर जो करते रहिएगा, क्योंकि 9 तारीख को, जहाँ 9 तारीख को इलेक्शन है जिला परिषद का, या 9 तारीख को इलेक्शन है जिला परिषद कमल का, जो निशान है धर्मपाल चौधरी की, जो टिकट मिली हुई है सरकार की तरफ से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कमल के फूल का, जो उनका जो चुनावी जो चिन्ह है कमल का फूल है, तो आप देख सकते हैं। तो किस तरह से उत्साहित यहाँ पर सभी, चाहे बच्चे लगा लीजिए, चाहे बुजुर्ग लगा लीजिए, चाहे माताएं लगा लीजिए, चाहे बहने लगा लीजिए, तो धर्मपाल चौधरी यहाँ डोर टू डोर यहाँ पर वोट की अपील यहाँ पर करते हुए, डोर टू डोर वोट की अपील यहाँ पर करते हुए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से, चाहे बाहर कोई भी बुजुर्ग बैठा हो, आशीर्वाद यहाँ पर लेते हुए, तो आप देख सकते हैं बच्चों में उत्साहितपन है, बच्चे दिल्ली डेरा भी आगे डेरा गाँव के अंदर, हम आपको जितने यहाँ पर पहुँचा, और लोगों के बीच में जो लोगों का हम देखिए डीपी चौधरी अपने समर्थन में किस प्रकार से जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई को ज्यादा से ज्यादा विजय बनाना, ताकि आपके लिए जितनी मजबूती से बनाओ उतनी मजबूती से अच्छे काम कर सके। डीपी चौधरी डोर टू डोर करते हुए सभी से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। आप सभी लाइव तस्वीर देख सकते हैं। और ये ग्लास आप देख सकते हैं, और साथ में अपना यही है, यही कर धर्मपाल चौधरी के अवसर में जन सैलाब लगा है, जन सैलाब यहाँ डोर टू डोर यहाँ पर अपील यहाँ पर करते हुए लोगों के दिल्ली दे रहा है।
हाँ अयो आपका काम अयो करो खड़ा कर ये बुआ अपनी बुआ लगा मारी अभी राम राम जी पूरे ध्यान देना है जी आज भाई यहाँ से निकले नमस्ते माता जी लोकल नहीं है भाई वापसी जाना पड़ेगा आप हाँ इंजाम करो हाँ वापसी फिर उधर ही चलो अच्छा अच्छा यहाँ ये भी जरूरी है जी ठीक ठीक ये देखिए आप सीधी लाइव तस्वीरें डीपी चौधरी पेड़ पर माथा टेकते हुए आप सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से डीपी चौधरी के समर्थन में महिलाएं युवा और बुजुर्ग सभी डीपी चौधरी के समर्थन में आए हुए हैं और डोर टू डोर उनके साथ ही कर रहे हैं आप सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इधर भी है अरे मेरे ये मिल लो ये अब ये अपने को है हां ये भी है एक कर बजाया भाई साइड में तीन ना बजाया राम राम जी करियो वोट स्पॉट पे बाबा जी आपके सहयोग से मतलब के जो है ताकि अच्छे विकास कर आपके सहयोग से धन्यवाद देवी चौधरी जिंदाबाद सुशील चौधरी जिंदाबाद देवी चौधरी जिंदाबाद पहले दिए साइडल चलो चलो साइड घर आ गया दीपिका जी
बैठो डीसी साहब बैठो। भाई सब क्या बताएंगे, आज दिल्ली डेरा में पहुंचे हैं, लगातार निकल रहे हैं आप प्रचार प्रसार के, थोड़े ही दिन रह गए। देखिए दिल्ली डेरा हमारे गांव खेड़ी रामनगर का हिस्सा है। पिछले लंबे वर्षों से जब से हमने जन्म लिया है तो दिल्ली डेरा और गांव खेड़ी रामनगर एक ही पंचायत है, एक ही गांव है। लेकिन दिल्ली से आकर हमारे ये भाई यहां पर अपनी खेती बाड़ी करते हैं और इन्होंने अपने मकान अपने खेतों में ही बना लिए थे, तो तब से इनका नाम दिल्ली डेरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और मैं जो सुशील कुमार के घर अभी बैठा हूँ, इससे उधर मेरा भाई भूपेंद्र, उधर चंद्रकांत, उधर विजय, ये मेरे क्लासमेट हुआ करते थे, मेरे क्लास में मेरे क्लास के सहपाठी हुआ करते थे और आज अपने अपने व्यवसाय में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी कभी इनका भाई एक सामाजिक कार्यों में आगे आता है, इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये मुझे बुलाते हैं और मैं इनके साथ मिलकर चलता हूँ। और आज राजनीति के क्षेत्र में जब मैं चला हूँ तो ये कंधे से कंधा मिलाकर पूरे जोश और होश के साथ मेरे साथ चले हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली डेरा का एक एक बच्चा, एक एक माता बहन और हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी भरपूर प्यार देकर अपने आप को अपना प्रत्याशी समझकर एक अच्छा इलेक्शन लड़ा। जिस तरह से आपको सर समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, भारी जनसमूह आपके साथ है, इसके बारे में आप गांव वाले गलियों में निकलकर आपके साथ चल रहे हैं? देखिए मैंने बताया कि मेरा अपना गाँव है, मैं इनका बच्चा हूँ, इनका भाई हूँ, इसके चलते ये इलेक्शन मेरा नहीं है, इनका है। एक बड़ी खुशी होती है जब कोई बेटा अपने घर कुछ जिम्मेवारियां लेकर आता है, उन जिम्मेवारियों को जब मैं लेकर इनके पास पहुंचा हूं तो इन्होंने मन बनाया, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलने का वादा किया। क्योंकि समाज की जो जिम्मेवारियां, समाज की जो कुरीतियां हैं उनको हमने ख़त्म करना है। इनका वो विश्वास, इनकी वो उम्मीद, वही मेरी जोश और मेरी ताकत है। पूरा जमीन पान सरपंच के भी, सुशील के भी, सुशील चौधरी धर्मपाल चौधरी बच्चों की बात करें तो आप देख सकते हैं महिलाएं, ये मेरा खुद का परिवार है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर चल रहा है, मेरा खुद का परिवार के साथ हमारे तमाम
मेन आदमी हो आगे चल रहे विजय जी इनको आगे करो जयराम जी जयराम जी आप ये आप सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं डेली न्यूज हरियाणा पर, जहां पर डीपी चौधरी अपने बुजुर्गों माताओं बहनों का आशीर्वाद लेकर एक जन सैलाब साथ में लेकर चल रहे हैं। ये आप सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से डीपी चौधरी के समर्थन में एक जन समूह उमड़ पड़ा है।